أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم everyone how are you all I hope you all are fine and safe and sound at your homes may Allah protect you and keep you safe I am your teacher Ms. Sadaf Evan and today I am going to teach you English Our today's topic is noun. Today we are going to discuss about nouns. Do you know Ketu? What are nouns? Do you know? Nouns are the naming words. Nouns are the naming words. A noun is a special kind of words. Called it's a part of speech. Nouns are words by a name of person, place, and things. A noun can tell who or what. Here we are some examples of nouns. केटू जो नाउन है ना उसका मतलब ये है कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं मतलब किसी भी चीज का जो नेम है ना वो है नाउन लाइक गर्ल बॉय आयशा आमना अली लाहौर पाकिस्तान कैट डॉग बुक टेबल चेयर कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी है अगर उसका जो नेम है ना उसको हम बोलेंगे नाउन Look at your screens. Window. Window इसका नाम है ना ये थिंग भी है और इसका नेम है विंडो तो ये क्या है नाउन दीज आर पैरेट्स ये क्या है पैरेट्स पैरेट्स इनका नेम है चेयर्स ये थिंग्स हैं और इनका नेम है चेयर गर्ल्स ये गर्ल्स हैं Now, I have some more nouns. People, girl, boy, kid, teacher, coach, nurse. ये सब people हैं अब हम discuss करेंगे places को school, library, city. फॉर्म ऑफिस हाउस नाउन में ये सब प्लेसेस आते हैं थिंग्स चीजें बुक बैकपैक पिलो फ्लावर कप एंड सैंडविच ये सब नाम है ना पीपल लोगों के प्लेसेस जगहों के थिंग्स चीजों के किसी भी चीज के नाम को हम बोलते हैं नाउंस तो केटू आप लोग अब अपना होमवर्क करेंगे ऐसे आप लोग नोटबुक अपनी रेडी करेंगे मैंने आप लोगों को बहुत से नाउंस बताए हैं बहुत से ये मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि नाउंस क्या होते हैं आप लोगों को याद होगा तो अब आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे ऐसे आप लोगों ने कॉपी रेडी करनी है राइट हियर क्लास वर्क डेट एंड डे क्लास वर्क टॉपिक नाउन नाउन्स एंड ये मैंने नंबर्स दिए हैं यहाँ पे 8 अगर आप लोगों को 8 आते हैं यहाँ पे 8 लिखने हैं अदरवाइज 9 फिर यहाँ पे 10 11 12 13 14 जितने आपको आते हैं आप राइट कर सकते हैं ओके जितने आप इजीली राइट कर सकें ठीक है आप लोगों ने कोशिश करनी है जो टीचर ने करवाया है आप इनसे थोड़ा डिफरेंट लिखें ये भी आप लोग लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है लेकिन आप लोग थोड़ा इसे डिफरेंट खुद से सोच के लिखें ओके और आप लोगों ने ऐसे करना है और मैं आपको होमवर्क में आपकी मामा के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को वर्कशीट सेंड करूँगी उसके आप लोगों ने प्रिंट्स लेके और वो आप लोगों ने वर्कशीट्स भी डन करनी है ओके फिर जब आप स्कूल आएंगे फिर आके आपने अपने टीचर को दिखाना है ओके I hope you all are got it. Okay, Allah Hafiz.
Thank you.